श्रीकाल तुसी देख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा। मैं देविका जैन ते हुन सब तो पहला एक नजर अज दे बुलेटिन दी मुख खबरां वाल। भारत दे गृह मंत्री अमित शाह दी अगुवाई विच हुई 31st NZC मीटिंग, पंजाब सरकार ने की थी मेजबानी। पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित, श्री हरमंदर साहब अते श्री दुर्गियाना तीर्थ विखे होए नतमस्तक, कीती सरबत दे भले दी अरदास बेनती। दिल्ली दे राजपाल विनय कुमार श्री दुर्गियाना तीर्थ विखे होए नतमस्तक, दुर्गियाना कमेटी वालों कीता किया सम्मानित। चंडीगढ़ के प्रशासक मौजूद सन। हवाई अड्डे दे पंजाब सरकार वालों वित्त मंत्री हरपाल चीमा ते कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह कालीवाल ने उन्हां दा स्वागत किया, जबकि भाजपा के कौमी जनरल सकत्तर तरन चुग, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, सूबा प्रधान सुनील जाखड़ ते उन्हां दी टीम ने उन्हां दा स्वागत कीता। मीटिंग विच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने BBMBA विच मेंबर पावर नियुक्ति, हार्ड राहत नियमां विच तब्दीली, फर्जी ट्रैवल एजेंटां वल्लों धोखाधड़ी, RDF, पंजाब यूनिवर्सिटी, राजधानी चंडीगढ़, शानन पावर प्रोजेक्ट, SYL, नीम फौजी बलों के खर्चे आदि मुद्दे चुके। माननीय मंत्रीगण भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही भारत सरकार तथा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित हैं। आप सभी गणमान्यों का आप बिना स्वागत। पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित वालों अपनी अमृतसर फेरी दौरान सचखंड श्री हरमंदर साहब और श्री दुर्गियाना तीर्थ के लक्ष्मी नारायण मंदिर विखे मत्था टेकया गया, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस मौके SGPC कमेटी और दुर्गियाना कमेटी के मैंबरों वालों उन्होंने सम्मानित किया गया। जनरल सकत्तर अरुण खन्ना, हनुमान मंदिर के प्रधान डॉक्टर राकेश शर्मा, विदुपुरी समेत वड्डी गिनती विच संगतां हाजिर सन। इस मौके सूचना अधिकारी अमृतपाल सिंह वालों सुनहरी मंदिर से आधारित पुस्तक दे के उन्होंने सम्मानित किया गया। इच्छा रहती है कि मैं माथा टेकने के लिए जाऊं, मैं आ गया यहाँ पर, एक अलग ही शांति महसूस करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। खासकर पंजाब और पूरे हिंदुस्तान के सभी लोग हमेशा खुशहाल रहे, भाईचारा रहे, प्रेम बना रहे, ये प्रार्थना मैं। दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना वालों अपनी अमृतसर फेरी दौरान उत्तर भारत के प्रसिद्ध मंदिर श्री दुर्गियाना तीर्थ विखे मत्था टेकया गया, जिस दौरान उन्होंने ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त किया अते सब दे भले दी अरदास बेनती की थी। इस मौके संजय मेहरा, माधव लाल, मैनेजर अनिल शर्मा वालों उन्होंने सम्मानित किया गया। वड्डी गिनती विच दुर्गियाना कमेटी दे मेंबर्स मौजूद सन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने ते उन्हां दा निग्गा स्वागत कीता गया। हिमाचल के CM श्री सुखविंदर सिंह सुखू वालों अपनी अमृतसर फेरी दौरान सचखंड श्री हरमंदर साहब और श्री दुर्गियाना तीर्थ दे लक्ष्मी नारायण मंदिर विखे मत्था टेकया गया, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दुर्गियाना कमेटी के मैंबर वालों उन्होंने सम्मानित किया गया। जनरल सकत्तर अरुण खन्ना, हनुमान मंदिर के प्रधान डॉक्टर राकेश शर्मा, विदुपुरी समेत वड्डी गिनती विच संगतां हाजिर सन। हमने अपने जीवन काल में ऐसी त्रासदी पहली बार देखी है और तबाही का ऐसा मंजर जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, सरकार उससे उभरने की कोशिश कर रही है और भगवान का शुक्र है कि हमारे प्रयासों से जो पर्यटक वहाँ आए थे उनको किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। इस त्रासदी में तकरीबन 450 लोगों की जानें गई हैं और
12,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। 50 वर्षों में इस प्रकार का मंजर मेरे ख्याल हम किसी ने भी नहीं देखा होगा। और मैं सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता ने एकजुटता का परिचय दिया और अब उससे उभरने में थोड़ा समय लगेगा। हमारे प्रयास है कि हम उसमें जल्दी से जल्दी जो सड़कें हैं उनको तो हमने जोड़ दिया है, लेकिन कई गांव की सड़कें हैं, गांव के क्षेत्र हैं, उनको जोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। BNI एम्प्लॉयड की मीटिंग होटल फेयरफील्ड मैरिट विखे आयोजित की गई। इस मौके BNI टीम ना जुड़े मेंबर्स वालों अपने व्यापार नु वधाउन लई अहम जानकारियां सांझियां कीतियां गईयां अते अहम फैसले लए गए। इस मौके उन्हें आख्या कि BNI नाल जुड़ के वो बहुत खुश हैं अते जो लोग अपने व्यापार नु वधाना चाहते हैं वो BNI टीम नाल जुड़ के अपने व्यापार नु नवी दिशा दे। इस मौके सपोर्ट डायरेक्टर कंसल्टेंट वृति सेठ दुगा, सपोर्ट एम्बेसडर इतिन सहगल, एक्टिंग प्रेसिडेंट सुखाव्रत सिंह, वाइस प्रेसिडेंट आशिम खरबंदा, सेक्रेटरी शिखा चोपड़ा, नितिन मेहरा, सनी सरपाल, राधिका अरोड़ा समेत वड्डी गिनती विच BNI दे टीम दे मेंबर्स मौजूद सन। BNI मीटिंग सी जिदे विच असी नवें नवें बिजनेस बारे डिस्कस करते हैं, हर किसी दे बिजनेस नू कितना अगे लैके जाया जाए उहदे नए आइडियाज़ उत्ते डिस्कस करते हैं, दैन वी विल सिट एंड इंप्लीमेंट इट। मेरा काम सोलर पावर कंस्ट्रक्शन का हैगा, असी सोलर सिस्टम जिहड़े घरां दे उत्ते हुंदे आ ते कमर्शियल बिल्डिंग दे हुंदे आ असी ओह इंस्टॉल करते हैं। सब तो पहला तो सोलर पावर कंस्ट्रक्शन जी, सोलर एक यहोजी चीज़ है जी ग्रीन एनर्जी हैगी है, एंड जिस चीज़ ना सोलर दिया पैनल्स बनते हैं दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलीमेंट दैट इज़ अवेलेबल ऑन दिस अर्थ। तो कोई यहोजा सोर्स हैगा वै जो कि दुनिया के अबंडेंसली मतलब सन इज़ द अबंडेंट सोर्स ऑफ द लाइट ऑन दिस अर्थ। तो एक इन्ने को लाइट साढ़े को अर्थ उत्ते अवेलेबल है जिद असी अर्थ अर्थ वल दे वर्गियाँ ही 10 अर्थ नू होर लाइटन कर सकते हैं। सो इनस्टैड ऑफ गोइंग फॉर योर तो तुहानू अपने बिजली दे बिल्स नू फिकर करन दी बजाए जिहड़ा असी हर महीने सरकार नू एक EMI भरदे हाँ हर साढ़े खर्चे च इनकलूड है, असी उस खर्चे नू घटा सकते हैं अपने घरां ते सोलर सिस्टम लगाउण वास्ते। अगर तुसीं सोलर सिस्टम अपने को एक वारी नहीं खर्चा कर सकता तो सेंटर गवर्नमेंट दी स्कीम्स अवेलेबल हैगीआं ने जिते गवर्नमेंट वल्लों EMI वी बन सकती है। जिला प्रशासन अते जिला खेड विभाग वालों खेडा वतन पंजाब दिया सीजन 2 जिला पदरी खेडा दा आयोजन कीता गया, जिस दौरान विधानसभा हलका पछमी दे विधायक डॉक्टर जसबीर सिंह संधू वालों मुख तौर ते पहुंच के खेडा दी शुरुआत कीती गई अते आख्या गया कि पंजाब सरकार वालों खेडा नू प्रफुल्लित करन लई हर उपराले कीते जाण के। इस मौके दविंदर सिंह संधू, सुखदेव सिंह, इंद्रजीत सिंह, सुखचैन सिंह, जसपाल सिंह समेत वड्डी गिनती विच लोग मौजूद सन। सो कुदरत इन्हां ग्राउंडां च खेडदी है, तुसीं पंजाब दी आउण वाली पनीरी जिहड़ी अज असीं तैयार कर रहे हैं ये राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय पद्धत ते जिहड़ी मल्ला मारेगी आने वाले दिनों के विच इस ही ग्राउंड चों इन्हां ही बच्चों चों पता नहीं किन्ने खिलाड़ी इंटरनेशनल खेडने हैं ते किन्नियां ने गोल्ड मैडल खड़ने हैं। ये तुहाडी मेहनत दा सदका, बहादुर कौर साहिबान ते मेहनती कौर साहिबान की मेहनत दा सदका इन्हां बच्चों जो आप अज ये पनीरी लगाई है इन्हां दा फल सानूं आने वाले साल जरूर मिलेगा। राघव अनेजा वालों रंजीत एवेन्यू विखे एग्जीबिशन लगाई गई, जिस दौरान उन्होंने पत्रकारों नाल गलबात करदिया दस्या कि ए एग्जीबिशन लगान दा मुख मकसद महिलावां नू प्रोत्साहित करना है, जिस नाल महिलावां नू भी अपने कामकार करन दे तरीके विच निखार लियाण लई कोई दिशा मिल सके अते किसे भी काम विच ओ पिछे ना रहन। हमने बबल वर्ल्ड कंपनी जो डिजिटल मार्केटिंग की है, हमने एक इनिशिएटिव लिया है पॉपअप पैलेट के नाम से, जो वुमेन बिजनेसेस को प्रमोट कर रहा है एक ही नए अंदाज़ में, मतलब इसको हम एग्जीबिशन नहीं कह रहे, एक मिनी शो है जिसमें हमने 8 स्टॉल्स लगाए हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के, बीट वेलवेट ओढ़नीस, ये क्रॉकरी है, पाकिस्तानी सूट्स हैं, कॉर्ड सेट्स हैं, और हम जिनको हम डिजिटली प्रमोट करते हैं। तो हमारा एक इनिशिएटिव था कि डिजिटल के साथ साथ हर एक बिजनेस ओनर को, चाहे मेल हो फीमेल हो, लड़का हो लड़की हो, बच्चा हो या बड़ा हो, आपको फिजिकल और डिजिटल आज की डेट में चलना ही पड़ेगा। वार्ड नंबर 74 दे इलाके न्यू दशमेश नगर
गली पप्पू कुवाड़िया वाली विच हलका पछमी दे विधायक एमएलए डॉक्टर जसवीर सिंह संधू इलाके विच चल रहे विकास कार्यों का जायजा लैन ले पहुंचे। उन्हां दा स्वागत आम आदमी पार्टी दे सेवादार सरदार शमशेर सिंह संधू अते उन्हां दी समुची टीम वालों कीता गया। इस मौके ते मोहल्ला सुधार कमेटी दे प्रधान सरवंत सिंह शाम साढ़े सीनियर आगू जथेदार जसपाल सिंह पुतलीकर अते होर बहुत साथी मौजूद सन। एक हफ्ता पहला इस वार्ड के वार्ड नंबर 74 के असी कमां का उद्घाटन करने वास्ते आए सी। अज उस काम होंदे हुए काम का जायजा लैन वास्ते आए हैं ते एक इलाके दे लोकां वास्ते लोक मिली लिखी गई सी उन्हूं अटेंड किया लोगों दी मुश्किलां सुनिया गई। तकरीबन वार्ड नंबर 34 के सारे ही जिन्ने वसीक ने जिन्ने मेरे वीर ने आम आदमी पार्टी के जिन्ने जारू साडे वलंटियर है सारे खुश नजर आए। दफ्तर इन्हां भी इलाका बहुत ज़्यादा विवधन करके फिर वो एक दफ्तर कदी तो बैठे दे सरवण प्रधान उन्होंने इतने दफ्तर खोल के दिता है कि जिन्ने भी इलाके के काम आते हैं चाहे किसी को मुश्किल आँदी वो इतने आ के दसन। अज MLA साहब आए ने नवे दफ्तर की ओपनिंग हुई ही इस कारण उन्होंने बुलाया गया ही चाहते तो थोड़े काम उन्हें स्टार्ट करवाया ही उन्होंने जायजा लैन आए ही। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमृतसर वालों शहर को सोहना बनाने की तैयारी चल रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हेठ कई उपराले शुरू किए गए जिन्हों में पुरानिया थावां नूं रिपेयर किया गया अते कुछ नवियां बनाई गई। शहर में कई थावां ते खास तौर पर मार्केट्स में एनक्रोचमेंट्स की गई हैं जिन्होंने कॉर्पोरेशन वालों हटाया जा रहा है। कुछ दिन पहला लॉरेंस रोड विखे एक बिल्डिंग का पोर्शन तोड़िया गया जो कि एक्सटेंडेड सी अते रूल के हिसाब नाल गलत सी। इस बिल्डिंग के सामने बांसल बेकर से जिसने अपने सामने का हिस्सा बढ़ा के घेरिया होया है। लोगों के तुरन वास्ते ये फुटपाथ का हिस्सा फ्री रहना चाहिए है ता जो लोग सड़क तो हट के तुर फिर सकन। बांसल बेकर्स के आले दुआले की थावां खाली हैं अते रूल मुताबिक इन्हों की जगह भी खाली रहनी चाहिए है। कॉरपोरेशन जेकर रूल तोड़न पर एक्शन लेंदी है तो वह सारे वास्ते होना चाहिए है सिर्फ एक वास्ते नहीं। असं इस वे खड़े हैं लॉरेंस रोड के उत्ते जिते कि कुछ दिन पहला कॉरपोरेशन वालों एक्शन होया और एक बिल्डिंग का जो वधा सीगा एक्सटेंडेड की हुई सी थान उसको उन्होंने तोड़िया। वेखन में यही आया है कि जी जगह तोड़ी गई है उसके बिल्कुल सामने बंसल बेकर्स है और बंसल बेकर्स ने भी जी पेमेंट है वो टोटल घेरी हुई है। वेखन दे विच ए भी नाल आता है कि भी कॉरपोरेशन अगर देखती है तो रूल एंड रेगुलेशन जी सारे वास्ते होनी चाहिए है। यह पोर्शन जो तुम देखते पे हो यह टोटल खाली है जो कि रूल एंड रेगुलेशन के नाल बिल्डिंग बनी हुई है बट नाल ही उस दे नाल दी दीवार जी बांसल की है और बांसल ने पूरा पूरा एरिया जो है तकरीबन 15-20 फुट एरिया जो एक्सट्रा है वो घेरिया हुआ है अपनी दुकान बधाने वास्ते। कॉरपोरेशन अगर यही अपील है कि अगर रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं तो सारे वास्ते एक होने चाहिए है ना कि किसी एक वास्ते अलग और दूसरे वास्ते अलग। कॉरपोरेशन वेखे इस चीज़ को कमिश्नर साहब वेखन इस चीज़ को कि पेमेंट्स उत्ते या वैसे भी दुकान के कई जगह के उत्ते असं एक्सटेंशन वेखते हैं वधा वेखते हैं उन्होंने अगर रोकना है तो सारे रोकया जाए ना कि किसी एक नूं। कैमरा परसन राकेश नाल JP सिंह फास्ट न्यूज़ अमृतसर। फास्टवे का फिल्मी चैनल नंबर 240 से फास्टवे मूवी चैनल नंबर 241 से फास्टवे मेट्रो चैनल नंबर 242 से फास्टवे म्यूजिक चैनल नंबर 243 से गुरुद्वारा श्रीदास साहिब तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 556 श्री दुर्गयाना तीरथ तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 563 किया जा रहा है। मंदिर लाल भवन मॉडल टाउन विखे सवेरे सीधा प्रसारण चैनल नंबर 241 शाम को सीधा प्रसारण चैनल नंबर 242 किया जाता है। फास्टवे के लोकल चैनल से एडवरटीजमेंट देने लिए फोन नंबर 7009308833 से संपर्क किया जा सकता है। हुण समा हो गया एक छोटे जिहे ब्रेक का, ब्रेक तो बाद तुसी वेखोगे। कोट खालसा दिया गलियां विच लगे कूड़े दे ढेर, इलाका वासियां ने नगर निगम खिलाफ कीती नारेबाजी। ए ते कुछ होर खबरां एक छोटे जिहे ब्रेक तो बाद। फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। We'll be right back.
fun land in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तुम्हारी बॉडी जैसे पारल पारल पासा जाने जा पन मेरी यामा लम्बे 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 है द थ्रॉटल लेट मी मेक यू मूव ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। अमृतसर दे कोट खालसा पुलिस थाने दी गली दे विच कूड़े दे ढेर नु लेके इलाका वासियां ने नगर निगम दे खिलाफ नारेबाजी की थी। उते इलाका निवासियां सुविंदर सिंह ने कहा कि काफी लंबे समय तो कई बार कॉर्पोरेशन नु कंप्लेंट्स कीतियां गईयां हन पर कोई भी अधिकारी इस वाल ध्यान नहीं दे रहा। उते इलाका निवासियां ते दुकानदारां ने प्रशासन तो मांग कीती कि ऐसा कोई पक्का हल कीता जावे ता जो आन जान वाले लोगों नु परेशानी दा सामना ना करना पवे। असी आ इलाका नु असी सारे इकट्ठे होए है कि कोट खालसा दे विच सफाई दा बहुत बुरा हाल है। थां थां दे उत्ते कूड़े दियां ढेरियां लगियां जिहड़ियां कि बीमारी दा कारण बन रही हैं और गरीब लोग जड़े है वो बीमारी दे नाल पीसते जा रहे हैं और कई इस समय के दौरान इत्थे मौतां हो चुकी हैं। सो वार वार असी कौंसलरां नूं भी बेनती कर चुके हैं, MLA नूं भी बेनती कर चुके हैं और होर भी जेडे कारपोरेशन दे सफाई वाले आउंदे है जेडे उन्हां दे इंचार्ज ने उन्हां नूं भी बेनती कर चुके हैं कि ये जड़ा कूड़े की गंदगी दे ढेर है इन्हां नूं इत्थों चकाया जाए ता कि जेडे गरीब लोग ने उन्हां नूं राहत मिल सके क्योंकि गरीब आदमी जदों बीमार हुंदा है वो बेचारा तो जाके अपनी जिहड़ी है वो दवाई का इंतजाम नहीं कर सकता। जेडे दिहाड़ीदार लोग इत्थे गरीब आदमी ने वो दिहाड़ियां करके तो अपने घर का रुजगार का रोटी पानी चलाउंदे है। सो ये बहुत बुरा हाल है कोट खालसा दे विच। असी मंग करते हैं कि कोट खालसा दे विच जिहड़ी है वो सफाई की जाए। सर साडा इत्थे जिन्हां दा हाल बहुत बुरा हाल है जी, लोग घरां चों सारा अपना पिंड जिहड़ा कूड़ा से सुट के जांदा, बड़ा डक्के जिहा गाड़ी लड़दे आ कहिंदे तुसीं 11 तक दुकानां ते 12 बाद च सुट लांगे, कोई नहीं इत्थे अपना कार्रवाई नहीं होंदी कोई भी। ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੋ ਆਉਂਦੀ, ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਨਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਵਾ, ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੂੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਟੇ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 30-50 ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, 50 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NOC ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ NOC ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ADC ਆਫਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ NOC ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। NOC ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ NOC ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ NOCs ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਕਸਿਤ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
उसे अं एन डी सी जारी करते हैं, नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी करते हैं। वो नो ड्यू सर्टिफिकेट विद इन 3 डेज से ही जारी कर देने, जिदन अज एप्लीकेशन आई 3 दिन से ही कर देना। एक होंगे वा अनऑथोराइज कलोनी लोगों ने अप्लाई किया, वो सरकार की पॉलिसी 2018 आई हुई है। 2018 तो पहला जिन्हें भी प्लॉट सेल होए ने रजिस्ट्रियां है बयाने है जो रजिस्टर्ड है वो एप्लीकेशन पा सकते हैं, वो उन्हें प्लॉट रेगुलर हो जाएंगे, भावें वो कलोनी मालिक ने हाले कलोनी पास नहीं भी कराई तो भी उसका प्लॉट जो रेगुलर हो सकता है एज पर पॉलिसी। साढ़े को जी ऑफलाइन वाली हैगी नो ड्यू सर्टिफिकेट है वो तो 3 दिन मैक्सीमम लगते हैं, इस तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि थल्लों डीलिंग क्लर्क की रिपोर्ट आनी, एक दिन इंस्पैक्टर को, एक दिन मेरे को आनी है, वो 3 दिन अं इशू कर देने। ईवन ये पहला है कि तहसीलदार साहब इंक्वायरी भेज दे, भी अं राइट्स आउट कर लेते कि अं मेल कर दें उन्होंने नाल ही हार्ड कॉपी कस्टमर को दे दें, तो जी सॉफ्ट कॉपी उन्होंने उस वे भेजते हैं जिद आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि साड़ी सही एन ओ सी जारी, कोई जल ही ना यूज़ हो सकती। जब ई ओ तरन तारण जी ने गल की गई तो उन्होंने दसिया है कि नगर कौंसल का जोड़ा प्रोसैस है वो सिर्फ 3 दिन का है, उस तो बाद जो असी एन ओ सी है वो ए डी सी दफ्तर ऑनलाइन भेज दी जाती है। कैमरामैन बिक्रम सहल के नाल गुरिंदर टिंकू, रिपोर्ट फास्ट वे न्यूज़ तरन तारण। श्री सिद्धि विनायक कलंक चतुर्थी का 10वां गणेश महोत्सव 19 से 28 सितंबर तक मंदिर श्री गणेश मठ गली बानियावाली चौंक लक्ष्मण सर विखे करवाया जा रही है, जिस विच वक वक पार्टियां वालों भगवान गणेश महाराज जी की महिमा का गुणगान किया जा रहा है और मूर्ति विसर्जन समागम 28 तारीख को दोपहर 1 बजे होगा। वड्डी गिनती विच संगतां हाजर सन। श्री सुखमनी साहब सेवा सोसायटी के प्रधान भाई लखबीर सिंह गिल के दिशा निर्देशों से गिद्दड़बाहा शहर विखे ऑल इंडिया सोसायटी के सम्मेलन में शिरकत करने वास्ते विचार की गई, जिस विच करीब 45 मैंबर नाल जा रहे हैं। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी सलाना जोड़ मेला पिंड कक्कड़ विखे 29-30 सितंबर को चरण छो श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी तपस्थान बाबा मंगल सिंह जी गुरद्वारा राम तहली साहब पिंड कक्कड़ विखे श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है। जानकारी देंदिया बाबा सुच्चा सिंह जथेदार बाबा सतनाम सिंह कार सेवा किला आनंदगढ़ ने दस्या कि दोहे दिन भारी दीवान सजाए जाणगे, जिस विच राखी टाडी अते कविशर जथिया गुरु इतिहास सुना के संगता निहाल करणगे। उन्हां कहा सलाना मेले विच हाजरियां भर के गुरु हरगोबिंद साहब जी तो खुशियां प्राप्त करो। 29-30 सितंबर जो कि संगतां विच बहुत भारी उत्साह इस जोड़े मेले को मनाने वास्ते, इलाके दियां संगतां बड़े उत्साह दे नाल अग्राहियां कर रही ने। आखिर विच मुख खबरां एक बार फिर तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई विच हुई 31st NZC मीटिंग, पंजाब सरकार ने की मेजबानी। पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित श्री हरमंदर साहब और श्री दुर्गियाना तीर्थ विखे हुए नतमस्तक, कीते सरबत्ते भले की अरदास बेनती। दिल्ली के राजपाल विनय कुमार श्री दुर्गियाना तीर्थ विखे हुए नतमस्तक, दुर्गियाना कमेटी वालों किया गया सम्मानित। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।